भारत के ये हथियार 2022 में सबसे घातक और एडवांस है और चीन को सबक सिखाने के लिए काफी है। भारत ने 2022 में सबसे बेहतरीन और एडवांस हथियार तैयार कर लिया है, ऐसे हथियार जो चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए काफी है, क्योंकि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। वह अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न अंग है, और चीन यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति का पालन करता है। यही वजह है कि भारत चीन का विवाद आज युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत आज अपने हथियारों के साथ बिल्कुल तैयार है। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने 2022 में अपने एडवांस हथियार तैयार कर लिए हैं। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि 2022 में आज भारत के पास वो कौन कौन से हथियार है जो न सिर्फ चीन को सबक सिखाने में माहिर है, बल्कि भारत का यह हथियार चीन को वापस खदेड़ने की भी क्षमता रखते हैं। पहला, INS अरिहंत। यह परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हथियार है। यह पनडुब्बी समुद्र के किसी भी कोने से दुश्मन के किसी भी शहर को बर्बाद करने वाली मिसाइल छोड़ सकती है। इस पनडुब्बी को दुश्मन जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु रिएक्टर से मिलने वाली एनर्जी के कारण इसको बार बार दूसरे पनडुब्बियों की तरह समुद्र से बाहर नहीं आना पड़ता। यह पनडुब्बी गहरे अथाह सागर में कई महीनों तक चल सकता है, जिसके कारण इसका पता लगा पाना असंभव सा हो जाता है। INS अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी लगी है, जो दुश्मन के किसी भी शहर पर हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि युद्ध के समय दुश्मन हमारे शहर या हमारे सैन्य बेस को अपने मिसाइल से निशाना बना सकता है। ऐसे में पानी के अंदर महीनों तक बिना किसी के नजर में आए परमाणु हमले की क्षमता वाली पनडुब्बी से जवाबी मिसाइल स्ट्राइक में INS अरिहंत बेहद ही अहम प्रभावशाली हो सकता है। यही डर दुश्मन को भारतीय शहर पर मिसाइल अटैक से रोके रखता है, क्योंकि दुश्मन को पता है कि अगर उसने भारत के शहर या अन्य जगहों पर मिसाइल अटैक किया तो भारत के INS अरिहंत कभी भी कहीं से भी निकलकर उन पर जवाबी मिसाइल स्ट्राइक कर सकती है। आपको बता दें कि भारत INS अरिहंत जैसी 6 परमाणु पनडुब्बी बनाना चाहता है, जिन पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। दूसरा, वरुणास्त्र। देखा जाए तो अगर चीन समुद्र के रास्ते भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत का वरुणास्त्र ही काफी है। भारत की यह पहला स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह समुद्र के अंदर छिपी 600 मीटर तक पनडुब्बियों पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। अपने टारगेट पर यह 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकता है। DRDO के मुताबिक भारत का यह ऐसा टॉर्पीडो है जिसे लॉन्च कर दिया जाता है तब दुश्मनों को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता। इसमें लगी ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल गार्डिंग सिस्टम की वजह से जब इसे एक बार फायर कर दिया जाता है तब यह अपने दुश्मन का पीछा करने लग जाता है। अगर टारगेट अपना रास्ता बदल लेता है तब भी यह उसका पीछा नहीं छोड़ता। इस जबरदस्त घातक और एडवांस हथियार को बनाने का काम DRDO कंपनी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा किया गया है। भारत आज के समय अपने सारे युद्ध पोतों और जहाजों पनडुब्बियों में वरुणास्त्र को इंस्टॉल करने का काम कर रहा है। भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड लगातार इसके प्रोडक्शन में लगा हुआ है। तीसरा, रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। रफाल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, साथ ही इसमें मिट्टी और मिसाइल भी तैनात है, जबकि इसका फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम का है। रफाल हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल से भी लैस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि स्कैल्प मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज उस मिसाइल को कहा जाता है जो अंधेरों में भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकने में सक्षम होता है। रफाल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि यह मात्र 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। यहां आपका यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि रफाल की मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है, साथ ही यह 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रफाल 24,000 किलोग्राम तक के भार को ले जाने में सक्षम है, साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भरने की भी गारंटी है इस विमान में। इसकी सबसे खास बात यह है कि रफाल 75% हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है, साथ ही यह एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को माली, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में इस्तेमाल किया जा चुका है। यहाँ इसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। आपको बता दें कि रफाल फाइटर जेट में भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल किए गए हैं, यानी भारतीय वायुसेना के हिसाब से यह बिल्कुल सटीक एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर चीन किसी तरह की हवाई गतिविधि करता है, हवाई हमले की कोशिश करता है, तो कई बार हमारा रडार सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। इस समस्या को दूर करने के लिए भारत ने 2 फाल्कन अवाक्स नाम की आसमानी आंखें खरीदी है, इसलिए इस वीडियो में चौथे नंबर पर आता है फाल्कन अवाक्स। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 3 फाल्कन अवाक्स ऑपरेट करती है, लेकिन बावजूद इसके भारत ने 2 और फाल्कन अवाक्स इजराइल से खरीद लिया है। अवाक्स असल में एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे रूस की इल्यूजिन 76 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह दुश्मन के मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट और दुश्मन की सेना को बिना सीमा पार के डिटेक्ट कर लेता है। आपको बता दें दोस्तों कि यह एयरक्राफ्ट सिर्फ सर्विलांस का काम नहीं करता, बल्कि मौका पड़ने
करने पर यह हमले का जवाब भी दे सकता है। इसकी क्षमता का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय मिराज लाखों जहाज की सुरक्षा इसी कंट्रोल सिस्टम द्वारा की गई थी। इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान द्वारा हवाई घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उस वक्त फाल्कन अवाक्स ने उसे तुरंत डिटेक्ट कर लिया था। लेकिन बावजूद इसके अगर चीन समुद्र से भारत पर हमले की कोशिश करता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि भारत के पास है INS विक्रमादित्य जो दुश्मन को 1000 किलोमीटर दूर से ही जवाब देने में सक्षम है। पांचवा, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य को भारत ने 20 जनवरी 2004 को 2.35 बिलियन US डॉलर देकर खरीदा था। INS विक्रमादित्य की सबसे खास बात यह है कि पानी के 500 किलोमीटर के भीतर कहीं से भी कोई हलचल होती है तो INS विक्रमादित्य की नजरों से कोई बच नहीं सकता। 44,500 टन वजनी इस जहाज की ऊंचाई पूरे 60 मीटर है, यानी आप यह समझ लीजिए कि इसकी ऊंचाई एक 20 मंजिला इमारत जितनी है। आज के समय इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 1800 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। अगर हम इसके रफ्तार की बात करें तो यह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में चलने की क्षमता रखता है। इस युद्धपोत में 24 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर बड़े आसानी से समा जाते हैं। इसके डेक की लंबाई 284 मीटर है। इस पर माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम होने की वजह से किसी भी लड़ाकू विमान को लैंड कराया जा सकता है इस पर। दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि पानी में तैरता यह भारत का ऐसा किला है जिसको भेदना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारत की ताकत खत्म नहीं होती। पिनाका MLRS। पिनाका को 1998 में लॉन्च किया गया था। यह पुराने रॉकेट लॉन्चर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर की है, लेकिन हाल ही में पिनाका के एडवांस लेवल को और भी हाई लेवल पर पहुंचा दिया गया है, जिसकी वजह से अब इसकी रेंज 65 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इससे छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियार बंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। भारत के पास रॉकेट दागने के लिए ग्राड नाम का रूसी सिस्टम हुआ करता था। इसके विकल्प के रूप में 1980 के दशक में DRDO ने पिनाक रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। 1990 के दौर में पिनाक मार्क 1 के सफल टेस्ट हुए और भारत ने करगिल युद्ध में इसका खूब इस्तेमाल किया। बाद में पिनाक की कई रेजिमेंट बन गई। पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इससे सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिनाक सिस्टम के एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विथ नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बैटरी के जरिए 1x1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। पिनाक रॉकेट सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन को एक गाइडेड मिसाइल की तरह बनाया गया है। इसमें नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम जोड़ा गया है ताकि रेंज और सटीकता दोनों बढ़ाया जा सके। मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम सीधे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से जोड़ा गया है। ताजा अपग्रेड के बाद पिनाक नेटवर्क केंद्रित युद्ध में अहम भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे हथियार जिसका अगर इस्तेमाल किया गया तो यकीन मानिए चीन के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। भले ही चीन आज अपनी उटपटांग हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो भारत किसी भी देश से आज कम नहीं है। तो दोस्तों, जितना हो सके भारत के इस गौरव को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें और बता दें दुनिया को कि आज भारत किसी भी देश से कम नहीं है। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें ताकि दुनिया को पता चल सके कि हम भारत से कितना प्यार करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही कल एक और वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बगल में बेल आइकन के बटन पर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी भविष्य की आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।